वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग क्लास सेवेंथ क्लास मैथमेटिक्स डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन यूनिट नंबर सिक्स एक्सरसाइज 6.1 Exercise 6.1, question number 1. If A ratio B is equal to 3 ratio 5, and B ratio C is equal to 5 ratio 6, then find A ratio B ratio C. सॉल्यूशन में देखें आपने A रेशो B रेशो C फाइंड करना है और इसमें अपने ख्याल करना है कि एक वैल्यू जो रिपीटेड होगी वो सेंटर में लिखी जाएगी। जैसे देखें यहाँ पे A रेशो B है, इसको रेशो को इज़ टू भी कहते हैं। A इज़ टू B और A रेशो B दोनों सूरतों में एक ही बात है। यहाँ पे B का वैल्यू दिया गया है पहली रेशो में और दूसरी रेशो में भी B का वैल्यू गिवन है और A और C का वैल्यू एक एक दफ़ा दिया गया है। तो आपने जो अल्फ़ाबेट जो वैल्यू डबल दी गई हो उसको सेंटर में लिखेंगे। लेट सी यहाँ पे अगर A का वैल्यू दो दफ़ा दिया जाता तो यहाँ सेंटर में मैं A का वैल्यू लेता। लेट से कि अगर इसमें C का वैल्यू दो दफ़ा दिया जाता तो यहाँ B की जगह मैं C लेता। अब आपने वैल्यूज को लिखना होता है। A रेशो B मीन 3 रेशो 5 लिख दिया गया। अब B रेशो C है तो B की जगह 5 और C की जगह मैंने 6 लिखा। उसके बाद ये मैंने एरो लगाए हैं, ये ख्याल रहे कि आप 3 से एक रोड जा रही है जो कि आपको लीड करती है 5 तक। तो इट मीन 5 और 3 का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा और आंसर आएगा 5 3 15। इसी तरह 5 से एक कर्व रोड निकलती है जो कि ऊपर बी तक जाती है, वो वैल्यू 5 ही है और 5 और 5 का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, द आंसर विल बी 25। इसके बाद जब आप 5 पे पहुंच जाते हैं तो 5 पहुंचने पे आपको एक और रोड नजर आती है जो कि 6 की तरफ वो उसकी डायरेक्शन है, तो 5 और 6 का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 6 30। ये काम करने के बाद आपने ये देखना होता है कि जो आपके पास नंबर आए हैं जो कि 15 हैं 25 हैं 30 हैं, क्या इनमें कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। ये 5 के मल्टीपल्स हैं तो यहां से आपने A रेशो B आंसर देने के लिए A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 15 रेशो 25 रेशो 30। अब इसमें से आपने 5 को कॉमन लेना है।
फाइव जब कॉमन लेंगे तो फाइव थ्री जर फिफ्टीन, फाइव फाइव जर ट्वेंटी फाइव, और फाइव सिक्स जर थर्टी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन में, चूंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर उसने नहीं पूछा, तो अगर आप 15:25:30 भी आंसर दे देंगे तो आंसर आपका ठीक कंसिडर किया जाएगा। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा हो तो इसको आपने हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना होता है। ये मैंने ऐड कर दिया है, अगर आपका बस यही मैं आपको बताता हूँ कि अभी आपका फाइव जो कि आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू थ्री इज टू फाइव इज टू सिक्स, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू, ये मैंने ऑलरेडी वर्किंग थोड़ा सा किया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अभी क्वेश्चन नंबर वन में मैंने आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आई थिंक सो कि अभी आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ मैं इसका वर्किंग कर देता हूँ। 1:4 था और 2:3 था, एस जो है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है इसलिए मैंने एस को सेंटर में रखा है। 2 1s are 2, 4 2s are 8 और 4 3s are 12, इसमें से 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आने के बाद आपने आर रेशो एस रेशो टी फाइंड करना है, वो आप लिखने के बाद जब 2 कॉमन लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 1s are 2 और 2 4s are 8 एंड 2 6s are 12, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर होगा। क्वेश्चन में चूंकि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं पूछा गया था इसलिए 2:8:12 आप लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक कंसिडर किया जाएगा। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दे दें, आंसर एक्सप्रेस कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3, पी रेशो क्यू और क्यू रेशो आर, क्यू को की वैल्यू 2 दफा रिपीट हुई है इसलिए इसको सेंटर में लिखा गया। 1 1s are 1, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, इसमें और इसको हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो 1 के ही साथ डिवाइड होता है, कोई और नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब कि 1 2 और 4 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जिसके साथ हम इसको डिवाइड कर सकते, इसलिए यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे z का वैल्यू अब देखें 2 दफा दिया गया था तो z को मैंने सेंटर में रखा है, इसमें आपने इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करना होता है। अगर आप x रेशो y इज टू z करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। 3 2s are 6 होते हैं, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, इसमें से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन आने के बाद आपके पास जो सिंपलेस्ट इसका फॉर्म होगा 2 3s are 6, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, ब्रैकेट क्लोज। अभी इसमें आपने थोड़ा सा ही काम करना है, ये आपके पास x का वैल्यू है, ये 2 आपका z का वैल्यू है और y का वैल्यू 1 है, तो आपको क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी वो थी x रेशो y रेशो z। अभी मैं इसको लिख देता हूँ,
एक्स रेशो वाई रेशो जी इज इक्वल टू, अब एक्स का वैल्यू है 3, आप लिखेंगे 3 रेशो, अब यहाँ वाई का वैल्यू आपने लिखना है, वाई का वैल्यू 1 है इसलिए 1 लिखेंगे, तो आप आंसर में ये एक्सप्रेस करेंगे, और जी का वैल्यू 2 है, अब एक्स रेशो वाई रेशो जी का जो आंसर है वो आपके पास हो जाएगा 3:1:2, ये आपने एंड पे एक स्टेप ऐड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एल और एम का रेशो है और एल और एन का रेशो है, देन आपने जो फाइंड करना था एल इज टू एम इज टू एन, इसमें भी वही चीज है, पहले स्टेप पे आप आंसर निकाल लें, 35 होगा m का वैल्यू और 5 1s 5 होगा l का वैल्यू एंड 6 1s 6 आपके पास होंगे वैल्यू ऑफ n। अभी इसको आपने आंसर देना है l, छोटा लिखेंगे l इज टू m is to n is equal to, अब यहाँ पे l का वैल्यू आपके पास 5 है, सेंट्रल वाली वैल्यू ये आप लेंगे, इसको लिखेंगे 5 और उसके बाद m का वैल्यू 35 है तो 35 लिखेंगे, देन n का वैल्यू 6 है तो इसको आप 6 लिखेंगे, आंसर में आप लिख इसको देते वक्त ख्याल करना है कि आपका सारे का सारा वर्किंग जो है वो खराब ना हो जाए, आप आंसर को सही तरीके से एक्सप्रेस करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ बेकरी द रेशियो ऑफ द सेल ऑफ ब्रेड टू एग्स इज 2:3 एंड द सेल ऑफ एग्स टू मिल्क इज 3:1, फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ ब्रेड एग्स एंड मिल्क। एग्स 2 दफा दिए गए हैं इसलिए मैंने इसको सेंटर में लिखा है, ब्रेड और मिल्क का एक एक वैल्यू दिया गया था इसलिए मैंने इसको दोनों साइड पे एक्सट्रीम वैल्यू मैंने ली हैं। अब 3 2s हो जाएंगे 6 और 3 3s 9 3 1s 3 अब इसमें आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि 3 को कॉमन ले लें, अगर नहीं भी कॉमन लेते तो ये आंसर आपका ठीक कंसिडर किया जाएगा क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में उसने आंसर नहीं पूछा 3 2s 6, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करें 3 3s 9 और 3 1s 3 और साथ में ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ख्याल रहे कि अब ये बाहर जो अपने 3 कॉमन लिया है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द आंसर, तो आप 2:3:1 लिखेंगे जो कि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अहमद एंड इरफान गॉट अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस in the ratio of 5:4 and Irfan and Wasim got a profit in the ratio of 8:9, find the ratio of profit among Ahmed, Irfan and Wasim। आपने continued इसका ratio find करना है, Irfan चूंकि 2 दफा repeat किया गया है इसलिए इसको मैंने center में लिखा है, 5 8s 40, 8 4s 32, 9 4s 36।
अब इसमें कॉमन लेंगे, अब टू, टू कॉमन लेने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 20, और 16 एंड 18 ब्रैकेट क्लोज। अभी देखें 20, 16 और 18 में अगेन टू कॉमन है, इसमें से टू कॉमन ले लें, इट विल बी 10 और 8:9 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड मटन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड बीफ इज इन द रेशियो ऑफ 5:2। फाइंड द रेशियो अमंग पीपल्स लाइकिंग ऑफ फॉर चिकन मटन एंड बीफ। एक सोसाइटी में कुछ लोग रह रहे हैं, उनमें खाने में कुछ को मुर्गी पसंद है, कुछ को बड़ा गोश्त पसंद है और कुछ जो है वो छोटे गोश्त को पसंद करते हैं। लेकिन चिकन वाले जो लोग हैं वो दोनों सर्वे में पाए जाते हैं, इसलिए जो इसकी जब हम रेशो बनाएंगे, चिकन वाले लोगों को मैंने सेंटर में रखा है, मटन और बीफ वाले लोगों को मैंने एक्सट्रीम के अंदर रखा है। अब ये क्योंकि मुझे एरो एक्सप्लेन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले काफ़ी क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। 5:1, 5, 5:2, 10 और 2:4। अब 5, 10 और 4 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसलिए यही हमारा आंसर है, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, आई थिंक सो इट इज द लास्ट क्वेश्चन। इन अ मैथ्स टेस्ट जारा, मूना एंड कोमाल गॉट मार्क्स इन द रेशो एज गिवन बिलो। जारा और मूना का जो कंपेयर हम करते हैं मार्क्स को, तो 4:5 में है। मूना और कोमल को जब हम रेशो में कंसिडर करते हैं तो ये 4:3 है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड कॉन्टिन्यूड रेशो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जारा, मूना एंड कोमल। मूना का चूंकि जो मार्क्स हैं वो 2 दफ़ा हैं, इसलिए मैंने इसको सेंटर में लिया। पहला जो रेशो है हमारे पास 4:5 है, ये देखें 4 है, ये मैंने 5 ले लिया। अब सेकंड मूना का और कोमल का जो रेशो है वो 4:3 है, ये मैंने 4 यहाँ लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 4 16 और 4 5 20 और 3 5 15, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें अब कोई भी आपके पास नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, तो यही आंसर कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए, 0321 5838 264।
अगर आप इसको क्वेश्चन को राइट डाउन करना चाहें तो इसका मैं आपको रिव्यू देता हूं। ये है जी क्वेश्चन नंबर वन, आप इसको राइट डाउन करना शुरू कर दें। इसमें आप ख्याल करेंगे कि जो अल्फ़ाबेट दो दफ़ा वैल्यूज का गिवन हो उसको हमेशा रेशियो बनाते वक्त आप सेंटर में रखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बी का वैल्यू दो दफ़ा दिया गया था इसलिए बी को मैंने सेंटर में लिया है। और क्वेश्चन फाइंड करने के बाद अगर आपका डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाए जिसमें वो डिज़ायर आपसे कर रहा है, फिर आपको उसको लिखने की दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दो सूरतों में आप आंसर को रीराइट करेंगे कि या तो जो डिज़ायर्ड उसका रेशो था वो सीक्वेंस में ना हो तो आप अपना उसको दोबारा सीक्वेंस में दे दें और आंसर एक्सप्रेस करें। सेकेंड सूरत हाल ये होती है कि अगर आपका आंसर में कोई नंबर कॉमन आ रहा हो तो आप कॉमन लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दें। Usually जब भी रेशो के आंसर देते क्वेश्चन पूछता है तो वो ये बात कहता है कि एक्सप्रेस योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये चूंकि सेवन्थ लेवल का अब सेवन्थ क्लास का मैथमेटिक्स है इसलिए बच्चों को थोड़ा सा अवेयरनेस कम होता है, अदरवाइज आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही इसके आंसर को एक्सप्रेस करना होता है। लेकिन अगर आप एडवांस फॉर्म में इसको सीख लेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर काफ़ी आसानी होगी। चलो जी बच्चों, राइट ऑन आपने कर लिया है, यस नो कर दिया करें ताकि मैं नेक्स्ट आप इस पे जा सकूं। चलें जी, यस की आवाज़ें आ रही हैं, नेक्स्ट करते हैं। एस का वैल्यू दो दफ़ा गिवन था इसलिए एस का वैल्यू मैंने सेंटर में लिया, आर रेशो एस रेशो टी। रोड्स मैंने बना दी हैं, एक कर्व बनाया है, सीधी सी रोड है, सीधी सी रोड के ऊपर आप जाएंगे और नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। वन टू ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, और इसमें बाद में आपने कॉमन भी लेना है। फॉर्म लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, टू सिक्स ट्वेल्व। टू इज नॉट सपोज टू बी द पार्ट ऑफ द आंसर, सो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप आंसर को एक्सप्रेस करना चाहेंगे वन इज टू फोर इज टू सिक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री को राइट डाउन कीजिए। क्यू का वैल्यू दो दफ़ा दिया गया था इसलिए मैंने क्यू को सेंटर में लिखा है। वन वन ज़ा वन, वन टू ज़ा टू और टू टू ज़ा फोर, कोई नंबर कॉमन नहीं है इसलिए यही इसका आंसर है।
अगर आपने राइट डाउन कर लिया है तो इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखें, ये जरा थोड़ा सा चेंज करके उसने क्वेश्चन दिया है। Z का वैल्यू दो दफा दिया गया था, इसलिए आपको Z को सेंटर में लिखना पड़ेगा। और सेकंड, इसमें ये बात याद रखें कि जब X रेशो उसने Z दिया है तो 3:2 हमने लिख लिया। दूसरे स्टेप के ऊपर उसने कहा एंड Y रेशो Z, तो हमारे पास पहले y है, y का वैल्यू 1 है, तो y के नीचे उसको लिखेंगे। ये खास ख्याल इसमें आपने करना है, अगर आपने z के नीचे 1 लिख दिया तो फिर आपका कभी भी आंसर ठीक नहीं आ सकेगा। अब हमने फाइंड कर लिया 6, 3 2 6, 2 2 4, 2 1 2, ये रेशियो तो आ गई, लेकिन ये आपका डिजायर्ड आंसर नहीं है। आपने जब आंसर एक्सप्रेस करना है तो उसमें x रेशो y रेशो z है, तो आपके पास पहला वैल्यू x का आया है, दूसरा वैल्यू z का आया है, और जो तीसरा आंसर है वो आपने, ये थोड़ा सा मैंने भी इसको ओवरलुक किया है, बल्कि मैंने नीचे देख के ठीक हो गया। ये मैंने पहले कॉमन लिया 2, और उसके बाद मैंने आंसर एक्सप्रेस किया है x रेशो y रेशो z में 3 को लिखा मैंने पहले, और ये वाली जो वैल्यू है 2, ये z का वैल्यू है, ये मैंने एंड पे लिख दिया है, और y का वैल्यू चूंकि 1 है इसलिए मैंने सेंटर में लिखा है, और क्वेश्चन के अंदर यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, x रेशो y रेशो z, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही बात उसने रिपीट की है, एल रेशो एम रेशो एन में आपको आंसर चाहिए। पहली जो रेशो है वो है L रेशो M, यानी कि M का वैल्यू 7 है और L का वैल्यू 1 है, जबकि दूसरी रेशो में L रेशो N है, पहला वैल्यू L का है वो मैंने 5 लिया, और दूसरा वैल्यू N का है जो कि 6 है। ये मैंने फाइंड कर लिया 35, और 7 5 35, 5 1 5, देन 6 1 6। लेकिन अब ख्याल रहे कि आपने ये आंसर आपका नहीं है, आंसर आपका L रेशो M इज टू N में है, ये मैंने लिख दिया L रेशो M रेशो N, पहला वैल्यू मैंने लिया है L का जो कि 5 है, और दूसरा रेशो वैल्यू लिया M का जो कि 35 है, और N का वैल्यू मतलब 6 है, ये राइट आंसर है आपका। ये यहाँ पे आंसर ऐड कर देते हैं। जिसको भी यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की जाने। क्वेश्चन 6 में एक बेकरी के सेल के बारे में है, जिसमें बेकरी में ब्रेड्स भी बिकती हैं, एग्स भी बिकते हैं, साथ में दूध भी बिकता है। एग्स के सेल होने का रेशो जो है, जो वैल्यू है वो 2 टाइम प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने एग्स को सेंटर में लिया, ब्रेड और मिल्क की मैंने को मैंने एक्सट्रीम वैल्यू में एडजस्ट किया है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 2 6, 3 3 9, और 3 1 3, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे 2:3:1, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको चेक कर लेते हैं लाइक दिस, ये आपका यहाँ से कर लेते हैं, ये एडजस्ट हो जाएगा जी लाइक दिस। अहमद, इरफान और वसीम 3 जो है ना स्टूडेंट बिजनेस पार्टनर हैं, उन्होंने कोई एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया और उसके रिजल्ट में उनको कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की रेशियो दी गई है। इरफान जो है वो दोनों पार्टनर के साथ शेयरिंग कर रहा है, अहमद के साथ भी है, वसीम के साथ भी है।
अहमद, इसलिए इरफान को सेंटर में मैंने लिखा है। 10, 5, 8 ज़ार 40, 8 4 ज़ार 32, 9 4 ज़ार 36। ये मैंने रोड्स बना दी हैं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ ये हो जाए, आंसर आप फाइंड कर सकें। 2 लिया कॉमन, 20:16:18, फिर 2 इसमें से कॉमन आता है, 10:8:9, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आंसर है। 2 इज नॉट सपोज टू बी द पार्ट ऑफ द आंसर, तो आपका आंसर जो है सिंपल 10:8:9 है। देन क्वेश्चन नंबर 8, एक सर्वे हुआ, एक सोसाइटी में रहने वाले मुख्तलिफ जो लोग हैं, कुछ चिकन पसंद करते हैं, कुछ मटन पसंद करते हैं, और कुछ लोग हैं जो बीफ पसंद करते हैं, यानी कि मुर्गी, बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त। उनकी जब हमने सर्वे किया, चिकन वाले लोग जो हैं वो दोनों सर्वे में मौजूद थे, तो मटन और चिकन में जो रेशो है 1:2 है, चिकन और बीफ की रेशो 5:2 है। मल्टीप्लिकेशन की, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। तो अब चूंकि इसमें कोई आप सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं एक्सप्रेस कर सकते आंसर को, तो सिंपल आपका आंसर है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्लास में एक मैथ्स का टेस्ट हुआ जिसमें ज़ारा, मोना और कोमल तीन लड़कियां हैं। इन्होंने ज़ारा और मोना का जब एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशो तो 4:5 है, जबकि मोना और कोमल का जब हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशो दैट इज 4:3। तो मोना जो है वो ऐसी लड़की है जो दोनों रेशो के अंदर शामिल है, 4:5 और 4:3, 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। अब इसमें से और कोई नंबर कॉमन नहीं ले सकते आप, तो यही आपका आंसर है। ये था जी रिव्यू। अगर आपको मेरी ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए मेरा सेल नंबर आप जरूर नोट कर लीजिए, दैट इज 0321-5838-264। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें। अगर आपको कोई किसी किस्म की क्यूरी हो तो काइंडली आप मुझे क्यूरी को मेरे चैनल में कमेंट करें ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली मेरे वीडियोस का शेयरिंग ज़रूर कीजिए। और फाइनली ये है कि मेरे आप काइंडली चैनल में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।